नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हमारा यूट्यूब चैनल। हम आपके साथ हैं मोहम्मद इलियास अंसारी। आज की रिपोर्ट यह है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी अभी तक काम नहीं हुआ है, जिसके वजह से अभी भी यहां से उड़ान बाधित हो सकती है। कई वीडियो में आपने देखा होगा कि कुशीनगर से उड़ान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अभी तक कुशीनगर में बहुत सारे ऐसे काम बाकी हैं जो कि उड़ान बाधित कर सकते हैं। कई ऐसे अभी बिल्डिंग्स बनी नहीं है, जैसे कि ATS बिल्डिंग अभी भी बन रही है और उसकी पेंटिंग का काम अभी भी चल रहा है। रनवे पर अभी काफ़ी चीज़ भी बाकी है, जैसे कि लाइटिंग और कई ऐसे चीज़ें अभी भी वहां पर बाकी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभी तक वहां पर कई ऐसे काम बाकी हैं जिससे अभी तक उड़ान बाधित हो सकती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोरखपुर जाने वाला था, लेकिन काफ़ी धरना प्रदर्शन और लोगों की कोशिश की वजह से यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी कस्या कुशीनगर शहर में अभी तक स्थित है। इसके बनाने के लिए काफ़ी सरकार ने पैसा खर्च किया है और जितना जल्द हो सके उतना जल्द यह शुरू होने वाला है। हमारे संवाददाता के हिसाब से यहाँ पर अभी 2-3 महीने बाद ही यहाँ से उड़ान हो सकती है। अभी यहाँ पर अधिकारियों ने जांच करने के लिए बाद ये पता किया है कि अभी कुछ बिल्डिंगें अभी बन रही हैं और कुछ बनने के कगार पे हैं, जिससे लोगों को अभी भी उड़ान से बाधित होना पड़ सकता है। कई ऐसे अभी भी वहाँ पर कड़ियाँ हैं जो कि उड़ान बाधित करने के लिए सक्षम है, जैसे कि ATS बिल्डिंग अभी भी बन रही है और उसकी रंगाई पुताई का काम चल रहा है। वहाँ पर एक झंडे को फहराने के लिए एक ध्वज का साचा भी तैयार किया गया है, जिसमें पानी भराव के कारण अभी भी वह पानी में डूबा हुआ है। पानी की निकालने की सारी तैयारियां हो गई हैं। अब वहां पर झंडे फहराने के लिए बहुत ही अच्छा सा एक पैलेस बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बच्चों के टूट फूट के कारण अब वह अभी काफ़ी खराब स्थिति में होने वाला है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर अब 2 होमगार्ड लगे हुए हैं जो कि बाहरी लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जिससे लोगों को अब अंदर जाने में कठिनाइयाँ शुरू हो गई है, जिससे काम जल्द होने की संभावना हो सकती है। हम आपको बता दें कि कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि अब इसमें देरी नहीं है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो कि कहे थे कि बहुत ही जल्द यह शुरू होने वाला है और उनकी बातों को अब खड़े होने पड़ेंगे। इसी तरह के और न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हम आपके साथ हैं मोहम्मद इलियास अंसारी। अगर आप वीडियो हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।